सुनवा रिवर क्रॉस करते हुए, यस फुल प्रोटोकॉल। तो अभी मैं हाथ दूंगा भाई को, यस एक वो सुनू आराम से भाई। जंप देना पड़ेगा हाई, आपको हाई जंप देना पड़ेगा। सो गाइस, थोड़ा सा जो है रिस्की यहाँ ट्रैक है रास्ता। तो है गाइस, तो अभी हम निकल पड़े हैं और ये हम पहुंच गए फॉरेस्ट के बीच में, यहाँ पे घना जंगल। हाँ सुनो भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो अभी बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा जो बैग है ना, कम से कम 25 से 30 किलो है इसमें, तो इस वजह से ट्रैक करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अदरवाइज अगर मैं खाली होता तो बिल्कुल ऐसा कोई टफ नहीं है। हाँ, बहुत इजी ट्रैक है देवरोवा, बहुत इजी ट्रैक। हाँ, तो अभी बताएंगे आपको वीडियो में कि कैसा रास्ता, क्या अब तक तो रास्ता बिल्कुल सही है और आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो इजीली, अब तक उतना डेंजर ट्रैक नहीं है, बिल्कुल रास्ता भी बिल्कुल प्लान है। आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है। यस, चलो मिलते हैं बाद में। ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है। यस, ये मेमोरीज है क्यों? यस, सही बात है। यस, आना चाहिए बीच में, ट्रैक करना चाहिए, पहाड़ों में आना चाहिए। जो भी, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि इस वीडियो में जो बंदा भी मलाना आता है, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भाई चीन आता है, तो ज़रूर जो कैपेबल है कर सकता ट्रैक है, ज़रूर आइए देवरूपा। बस यही बोलना चाहता हूँ, फुल प्रोटोकॉल। यस, सो गाइस वेलकम बैक घना जंगल। तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा अभी ट्रैक हमारा, अभी लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए हमें लगातार ट्रैक करते करते। तो अभी ऐसी ऐसी जगह खूबसूरत जंगल देखने को मिले। आगे देखो पेड़ क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे पेड़ क्रॉस करने पड़ेंगे आपको। सबसे बड़ा नाला आएगा आगे, ब्रिज। तो ये भाई हमारे लोकल मलाना से है, तो हमारे साथ ये भी आगे देवरूपा जा रहे हैं, तो इनकी ये हमें रास्ता बताएंगे। चलो, इस जंगल की एक खास बात है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भालू मिलेंगे आपको। अगर आप देवरूपा के लिए जा रहे हैं तो आप कभी इस जंगल में आप बेस कैंप मत लगाना, आप यहाँ से मोटा ग्राउंड से छोटा ग्राउंड से निकल के क्रॉस करके आप ऊपर चले जाना, आप बेस कैंप ऊपर लगा सकते हैं। तो आप सामने नाला देखिए, नाले को कैसे क्रॉस करेंगे, बने रहिए ये वीडियो में। बहुत ही डेंजरस नाला है और पुल इसके ऊपर फिलहाल तो नहीं है, तो दिखाते हैं आपको। सो गाइस, अब हम क्रॉस करने वाले हैं नाले को। नाले को क्रॉस करने से पहले आप देख सकते हैं जो पेड़ है कैसे गिर गए हैं यहाँ, और रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो गया। और देखिए, पेड़ों से नीचे होके जाना पड़ेगा आपको, झुक के जाना होगा। तो ये मज़ा है ट्रैक करने का। और फिलहाल हम जा रहे हैं देवरूपा। ओ शिट, तो यहाँ से देखिए गाइस, सुबह बारिश हुई थी यहाँ, तो बारिश की वजह से जो पानी का स्तर है वो भी बढ़ गया है। ओ भाई, लगता है जूते खोलने पड़ेंगे यहाँ से, हो जाएगा ऐसे? नहीं नहीं, मुश्किल है। और भाई तो जा चुके गाइस, मेरे को लगता है बहुत ही खतरनाक है ये। पकड़ वाला, आधे वाला। और लगता है पानी गाइस, जूते में जो है पानी घुस गया। और लकी लकी चला गया ऊपर से, लकी यार रास्ता भाई, सीन हो गया यहाँ। सीन ऐसा हो गया कि मेरे जूते में जो है पानी में मेरा जूता डीप हो गया। ओ भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है यार। ये लकी कैसे चला गया इधर से यार? लकी कैसे गया तू? हैं? नहीं भाई, नहीं जा सकता अभी, मुझे लगता है जूते उतारने पड़ेंगे उसके बाद है। ओ भाई, भूषण तो चला गया ना, अब मेरी बारी है। अभी सुनवाई जब मार रहे,
सुन भाई जंप क्या क्या वन टू थ्री ओ फाइनली गाइस फाइनली क्रॉस हो गया। तो गाइस जो पीछे बोला जंगल है फाइनली ख़त्म हो चुका है और यहाँ से जो व्यू मिलेगा आगे आपको देखने को बहुत ही खूबसूरत, और ये देख सकते हैं आप फूल यहाँ देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको फूल देखने को मिलेंगे। और आगे देखिए नाला, तो भी हम इस नाले को क्रॉस करेंगे मे बी कि इस जंगल में जाएंगे। आगे हमारे भाई साहब है वो हमें रास्ता बताएंगे। और एक बात और गाइस, जो पीछे नाला था ना यार बहुत ही ख़तरनाक नाला था। उस टाइम मेरे जो शूज़ है वो भी डीप हो गए थे पानी में और थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरे पास जो बैग है बहुत हैवी है, इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा है तो मैं जंप नहीं कर पाया, तो इसलिए इसको बैग को साइड पर रखना पड़ा। उसके बाद फिर जब मैंने इजली जो नाला क्रॉस कर लिया और सेम नाला यहाँ एक और आ गया नाला यहाँ, तो लगता कि भाई यहाँ भी वैसा ही सीन है। तो लकी यार भूषण, कैसा लग रहा है भूषण ट्रैक करके? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा, अमेजिंग, बहुत प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, आई लाइक दिस प्लेस। तो अभी ये वाला नाला हमें क्रॉस करना है, तो भाई साहब देखिए भाई ने क्रॉस कर लिया है, अब हमारी बारी है। और व्यू क्या ही खूबसूरत व्यू मिलता है यहाँ से, ये देखिए, और आसपास की जो पहाड़ियों में ना धुंध, वाह, ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए कहीं। और ये जो यहाँ से जो जंगल है सारे ऊपर तक, ये खरसू के पेड़ है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आसपास सारे खरसू के पेड़ है, और जो व्यू मिलता है यहाँ से बहुत ही लाजवाब। सो गाइज अभी मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हम जब रास्ते में जा रहे हैं तो देवरोपा का जो ट्रैक करें तो रास्ते में आपको ये जगह मिलेगी। और यहाँ ना फूल बहुत ही खूबसूरत फूल है, आप देख सकते हैं ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग फूल है। लेकिन नीचे ना थोड़ा सा कीचड़ है, मे भी नीचे हो सकता है पानी है इसके नीचे, तो ये हमने थोड़े से फ़ोटोज़ लिए, तो बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आए यहाँ। और ये देखिए वाह, बड़ा व्यू,